नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई साहब बस्ती। जिले में लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत के साथ ही जिले में आज से शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। शराब के खुलने की खबर क्या शराबियों को लगी कि वह दौड़ पड़े दुकानों पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों पर शराब लेने के लिए लाइन लगी हुई है। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क पहनकर आने वालों को शराब न देने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दुकानदारों को प्रत्येक व्यक्ति को शराब देने के बाद हाथों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका पालन कितना होगा यह तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कुछ जगहों पर इसका पालन होता जरूर दिखा, लेकिन वहीं दूसरी जगह की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा है। अब आज से शराब की दुकानों के खोले जाने से कोरोना वायरस के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि हम लोग इसका कड़ाई से पालन कराएंगे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अगर बात बस्ती जिले की करें तो बस्ती जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। दिनांक 3/5 को प्रमुख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में आबकारी के संदर्भ में भी ये प्रावधान किया गया है कि समस्त जोनों में आबकारी की दुकानें खोली जाएंगी कुछ प्रतिबंधों के साथ। बार रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएंगे। शराब की दुकानों में जिनमें कैंटीन के प्रावधान हैं उन दुकानों में कैंटीन को प्रतिबंधित रखा जाएगा, कैंटीन नहीं खुलेंगी, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी बस्ती महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें चूँकि बस्ती में धारा 144 लागू है, इस क्रम में एक दुकान पर 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए यहां से शराब ली जा सकेगी। दुकानों पे हैंड सैनिटाइज़र रखना अनिवार्य है। मास्क लगाया विक्रेताओं द्वारा भी मास्क लगाया जाएगा और जो भी क्रेता दुकान पे आएंगे उनके लिए भी मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको शराब नहीं दी जाएगी।